हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज जो वीडियो मैं आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ वो है फ्रेंड, हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो फॉर्मूला दे रहे हैं वो हम कैसे स्क्रीन शूट करें और आप लोगों को जब अपने खुद का हाथों से जब लिखना चाहते हैं थोड़ा सा गड़बड़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये टेक्निक आसान करने के लिए एक तरीका मैं ले आया हूँ फ्रेंड। तो वो ये वीडियो में उस संबंध में बोलूंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से कहूंगा, अगर आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकती हो फ्रेंड। ये देखिए हमारा जो सब्सक्राइब हुआ कैसे आप करें, In this world of the complex, listen closely. ये जो इसमें तो हमने पहले से लॉग आउट किया है तो इसमें फ्रेंड सब्सक्राइब लिखा होगा, तो इस जगह को आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अब अगर लॉग इन में हो तो आपको ईमेल नहीं पूछेगा, और आप लोग अगर लॉग इन ना किया हो तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पूछेगा। ईमेल देने से आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चला जाएगा फ्रेंड। और जो लोग घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से फिर से मैं थैंक्स कह रहा हूँ हमारा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मैं आज दिखाता हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए मैंने अपना एक वीडियो निकाला, And you can hear what simple says. मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड, simple says, time is the... तो मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड कैसे हम अपने जो वीडियो चल रहा है हमारा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ फ्रेंड, आप लोग एक काम कर सकती हो। तो हम जो फॉर्मूला दे रहे हैं हमारा वीडियो के जरिया, अगर आप लोगों को लिखने का कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप उसमें इमेज कर सकते हो फ्रेंड। ये देखिए बहुत छोटा सा जो फॉर्मूला है ना, इसे आप इमेज कर सकते हो। तो देखिए मैं कैसे इसको इमेज कर रहा हूँ फ्रेंड। ये देखिए सपोज आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इसी तरह आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। होल्ड करके आपको जो आपका खाता है ना उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक टेक्निक ये है, और दूसरा टेक्निक में फ्रेंड दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखिए ये हमारा जो YouTube चैनल है इसमें से हम तस्वीर निकालना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इसका फोटो खींचना चाहते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए खींच लिया हमने, ये देखिए कितना क्लियर आ रहा है। इसके बाद आपको ये फाइल में जाकर फ्रेंड हमें सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है। हम डेस्कटॉप के सेव एज करें, और ये हम नाम दे हमारा जो वीडियो से हमने निकाला, यानी कि ठीक है। तो फ्रेंड ये इमेज हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो गया, तो हम देखें जरा कैसे दिखे वो। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल क्लियरली फ्रेंड ये दिख रहा है फ्रेंड। तो आप सभी ने ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बहुत पहले ये वीडियो दे चुका हूँ फ्रेंड, मगर फिर भी बहुत सारे लोगों ने ये समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो वीडियो बंगाली में था। तो इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा फ्रेंड, ये आप लोगों के लिए लिया आया हूँ। तो फ्रेंड ये टेक्निक आप कैसे इस्तेमाल करें वो मैं आज सिखाऊंगा। तो चलिए ये तो आप दिख लिया फ्रेंड, ये दिख गया ही आपको ये सब हो रहा है कंप्यूटर में। तो चलिए इसका मैं दो तरीका आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड। विंडोज 7 जो है हमारा कंप्यूटर में, विंडोज 7 में इंस्टॉल क्या हुआ है, तो कैसे हम वो करें। दो तरीका होता है फ्रेंड इसको, एक स्टार में जाइए आप, ऑल प्रोग्राम में जाइए, ठीक है। ऑल प्रोग्राम के बाद फ्रेंड आपको जाना पड़ेगा एक्सेसरीज, ये देखिए फ्रेंड ये एक्सरसाइज, ठीक है, ये देखिए इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से जा रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एक्सेसरीज, और उसके बाद देखिए फ्रेंड ये देखिए स्निपिंग टूल है, ठीक है। ये देखिए जब क्लिक किया है हम वो तो चला आ रहा है, ठीक है, ये देखिए
मैं फिर से दिखा रहा हूँ फ्रेंड, उसके बाद एक्सेसरीज, उसके बाद स्निपिंग टूल। ये देखिए स्निपिंग टूल का जो विंडो है वो खुल गया है फ्रेंड। ये एक तरीका होता है, और दूसरा आपको क्या करना है ये देखिए, हमने जो सार्स बटन है ना स्टार्ट में क्लिक करने के बाद दिखता है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, उसको आपको स्निपिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो स्निपिंग टूल है SNI, ये देखिए फ्रेंड, मैंने सिर्फ SNI दे दिया और उसके बाद ये चले आ रहा है स्निपिंग टूल, ठीक है फ्रेंड। ये तो ऑलरेडी विंडोज 7 में इंस्टॉल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें हम देखिए, ये देखिए फिर भी मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड स्निप, ये देखिए स्निपिंग का पूरा स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड। ये देखिए SNIPPING स्निपिंग टूल, ठीक है। तो इसके जरिए हम वो सब करते हैं, ठीक है। आप लोगों को जिसके पास ये विंडो 7 हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंड। ये देखिए हमारा ये वीडियो सपोज चल रहा है, ये हमारा वीडियो, ये देखिए मैंने साउंड तो मीट हुआ है, ये मैं एक बार आप ये चीज आप लोगों को ब्रेन में समझ में आ जाए तो आप देखिए ये सभी ग्रामेटिकल करके हम बनाते हैं सभी चीज, ठीक है। ये देखिए हमारा 30 है, हम एक्स्ट्रा की तो आप इसी हिस्से को लीजिए फ्रेंड। ये बहुत सारा मैंने जो नोट आप लोगों को सिखाने के लिए दिया हो फ्रेंड इंटरनेट पे, अब वो देखिए आप कैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने स्टार्ट पे जा रहा हूँ, ऑलरेडी हमारा स्निपिंग टूल है इसमें, तो हम इसे ऐसे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा स्निपिंग टूल स्टार्ट हो गया, विंडो खुल गया। तो उसके हमें क्या करना है फ्रेंड, ये यूट्यूब वीडियो को हमारा पूरा इमेज चाहिए हमें, ठीक है। हम नीचे का हिस्सा नहीं लेंगे, हम ऊपर का हिस्सा लेंगे सिर्फ। ये देखिए ये देखिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इसको ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो माउस है ना, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे प्रेस करके आपको इसी तरह ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। ये ड्रैग करने से क्या होगा फ्रेंड, ये देखिए इसके बाद आपको छोड़ देना है माउस, ठीक है। जो लेफ्ट बटन हमने प्रेस करके रखा है उसे छोड़ देना है। ये देखिए इमेज तैयार हो गया, कॉपी हो गया, और उसके बाद आपको फ्रेंड ये फाइल में जाना है। ये देखिए हमारा जो फाइल है, ठीक है, इसमें जाना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए सेव एस हुआ है, लिखा है इसमें सेव एस, आपको क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। ये सेव एस आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फ्रेंड ये देखिए जैसे कि ये विंडो खुल गया है, हमें सेव करने बोल रहा है जो कहाँ पर हम ये सेव करूँ, तो हमने डेस्कटॉप पर सेव किया है, ठीक है। हम क्या दूँ फ्रेंड, इसका नाम ऐसे दे दूँ, ठीक है, ऐसे देकर हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। सेव कर लिया है, तो उसके बाद हम दिखाएंगे, ये देखिए हमने इससे सेव हुआ है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए, और उसके बाद हमें इसे क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये जितना चाहे आप कारशॉट को लेकर आप बड़ा कर सकते हो इसे लेकर, ये देखिए कितना आसानी से ये क्लियरली हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये है फ्रेंड, और एक तरीका है फ्रेंड आपको स्क्रीन शूट करने के लिए, जैसे कि हम कंप्यूटर से स्क्रीन शूट करते हैं इसी तरह करते हैं हम, और कोई भी वीडियो से हम इसे स्क्रीन शूट कर सकते हैं, कोई भी इमेज से हम कर सकते हैं। ये बहुत 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 हेल्पफुल है फ्रेंड आप लोगों के लिए। और चलिए इस तक जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मैं थैंक्स कर रहा हूँ आप वीडियो देखने के लिए, और आप लोग अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से कहूँगा आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चला जाएगा, और जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहा है इसी तरह
उन लोगों से मैं फिर से थैंक्स कर रहा हूँ मेरे वीडियो देखने के लिए। आप इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।